प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल में कुछ खबरें ऐसी चल रही जिसको लेकर लगातार सरगर्मी का दौर जारी हो गया है। कारण ये कहा जा रहा है कि यूपी सरकार ने 65 माफियाओं की सूची तैयार की है। हालांकि कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं हुई है, पर चर्चा का विषय बन चुका है कि 65 माफियाओं की सूची जारी हुई है और यहां पर उनसे लगभग 500 से 800 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त भी की जाएगी। और तमाम बड़े नाम हैं जो उनके हिसाब से है, और तमाम बड़े नाम हैं जिसमें हाजी इकबाल की बात करें या मुख्तार अंसारी की बात करें, चाहे ब्रजेश सिंह की बात करें, चाहे अमित दुसाना की बात करें, चाहे अमित कसाना की बात करें, चाहे सुंदर भाटी की बात करें, और चाहे अनुपम दुबे की बात करें, और चाहे कुंटू सिंह की बात करें, यहाँ पर तमाम बड़े नाम हैं। बच्चू यादव, लल्लू यादव, जोन वाइज, कमिश्नरेट वाइज, तमाम तरह के यहाँ पर नाम है, बड़े बड़े नाम हैं। ये वही माफिया है जिनको लेकर सरकार कहती है कि इनके खिलाफ अब हम एक खुले तौर पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। खैर, कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार एनकाउंटर का दौर भी जारी है। हालांकि 2017 से अगर अब तक एनकाउंटर की बात करें तो लगभग 183 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए, और इसके बाद योगी सरकार की इस व्यवस्थाओं पर विशाल तिवारी नामक वकील ने एक याचिका भी डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने सभी एनकाउंटर की जाँच मांग ली है। खैर, एनकाउंटर में जांच होना कोई नया प्रश्न नहीं है, जांच होती रहती है और तमाम एनकाउंटर ऐसे उन पर जांच भी हुई है और गलत साबित हुए हैं तो उन पर कार्रवाई भी हुई है। इसके अलावा जिस तरह से अभी अतीक अशरफ हत्याकांड है उसको भी लगातार लेकर सरगर्मियां जारी है, क्योंकि सीन रिक्रिएट हो रहा है। विपक्षी यहाँ पर आवाज़ भी उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो नीति है सरकार की, ये सरकार की ही करनी है कि उनको खुलेआम मार दिया गया और ये संपोषित सरकार द्वारा की गई है। खैर, वो जांच का विषय है। सरकार का अपना कहना है कि कोई भी घटना होती है तो सरकार उसमें क्या कर सकती है, सरकार कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए हुए है। उमेश पाल और दो पुलिसकर्मियों की हत्या हुई थी, उस पर भी विपक्ष के आरोप यहाँ पर थे कि कानून व्यवस्था खराब है। तो यहाँ पर भी आप कानून व्यवस्था खराब करने की बात कह सकते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार द्वारा संपोषित इस तरह की व्यवस्था है। खैर, चर्चा विषय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें सूची की तो सूची में भी तमाम ऐसे नाम है जिनको लेकर कहा जा रहा था कि योगी सरकार सजातीय लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है, और तमाम बड़े नाम हैं जो कि सजातीय हैं मुख्यमंत्री के। पर यहाँ पर सूची जारी है और उनके नाम है स्पष्ट करते हैं कि योगी सरकार जो मिट्टी मिलाने की जो बात कही थी वो सभी पर लागू होती है, चाहे वो यादव हो, चाहे मुस्लिम वर्ग से हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, और चाहे वो दलित समाज से हो। अगर वो माफिया है, अगर वो अपराधी है तो यहाँ कार्रवाई होगी और कार्रवाई में यहाँ पर कोई भी प्रश्नचिन्ह नहीं उठेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि छठवां साल कार्यकाल का चल रहा है, जहाँ एक तरफ हम बोलते हैं कि प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, दंगे नहीं होते, कर्फ्यू नहीं लगता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अभी हाल में मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान बोला है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री कार्यक्रम में गए थे, वहाँ पर उन्होंने ये बात कही कि अब कोई जनपद से डर नहीं लगता है, अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। पर जब कानून व्यवस्था बढ़िया है, दंगे नहीं हो रहे हैं, कर्फ्यू नहीं लगा है, तो फिर इस तरह के जो माफिया रजिस्टर्ड हैं ये इन पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और जब तक ये रजिस्टर्ड माफिया प्रदेश में विद्यमान है तब तक कानून व्यवस्था को बेहतर कैसे कह सकते हैं? बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये भी है। तो यहाँ पर लिस्ट तैयार हुई है योगी सरकार की, कहा जा रहा है। फिलहाल ये खबर अभी आधिकारिक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर सूत्रों के हिसाब से ये खबर चल रही है और ये खबर बताती है कि योगी सरकार ने जो अब तक कहा है अपनी नीति पे चलने का लगातार काम कर रही है। विपक्ष भले ही उंगली उठाता रहा, पर सरकार की नीति है कि माफिया राज को खत्म करना है। चर्चा विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ मेहमान जो चुके हैं अबरूप करालू, प्रवक्ता भाजपा से रामनिवास यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से नितिन सिंह भाई अपनी बात रखेंगे, दिलीप यादव राजनीति विशेषज्ञ में अपनी बात रखेंगे, बृहस्पतिकार ग्रुप में यहाँ पर सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे, और प्रवक्ता आपसे उनके फॉरवर्ड प्रवक्ता प्रपाल सिंह सलूजा अपनी बात रखेंगे। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रामनिवास यादव से रहेगा। रामनिवास भाई, भाई सूची जारी हुई है, 65 माफिया है, रजिस्टर्ड माफिया है और बड़े माफिया है, और कहा जा रहा है 500 से 800 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी, बुलडोजर चलाया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से जब इतने बड़े बड़े माफिया प्रदेश में विद्यमान है या जेल में भी हैं,
तो फिर अपराध मुक्त होने की हम जो सोच है वो कैसे कह सकते हैं? क्या राय आप? नहीं गौरव जी, जिस प्रकार से लंबे समय से जी माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा था, अच्छा, और उनके ही सरकार के संरक्षण में माफिया गुंडागर्दी करते थे, गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे, सरकारी जमीनों पर कब्जा करते थे जी। आज योगी जी की सरकार में आज उन माफियाओं के खिलाफ खौफ है। मैं देख रहा था जी कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह जी का 3 साल कार्यकाल जी और अखिलेश जी का 5 साल कार्यकाल जी, 517 एनकाउंटर हुए थे जी, एक भी कोई बड़ा माफिया नहीं था जी, सिर्फ रमेश कालिया पूरे लखनऊ में जी एक था जी, कोई बड़ा माफिया नहीं था जी। बहुजन समाज पार्टी की 5 साल की सरकार में 315 एनकाउंटर हुए जी, किसी बड़े माफिया का नाम नहीं जी, वो तो छोट भैये थे जो सरकार के खिलाफ बोलते थे, उनका अच्छा फर्जी एनकाउंटर किए गए। अच्छा, लेकिन योगी जी की सरकार आने के बाद अब तक 183 एनकाउंटर हुए हैं जी, जिसमें 30 से ज्यादा अपराधी मारे गए हैं पापला के। लेकिन आपने देखा होगा जी, जिस अपराधी का एनकाउंटर होता है जनता जश्न मनाती है। अच्छा, ये फर्क है। अच्छा, पिछली सरकारों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं थी, और जो होती थी अपराधियों के नाम पे छुटभियों पे कार्रवाई होती थी। अच्छा, इसीलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठते थे। आपने देखा होगा 6 साल में लगभग 1300 करोड़ की संपत्ति इन अपराधियों की जब्त हुई है, और 1000 करोड़ की संपत्ति तो खाली 2-3 महीने के अंदर जब्त हो रही है। अच्छा, और आने वाले जिस प्रकार से माफियाओं की लिस्ट बनी, 1000 करोड़ की संपत्ति और जब्त की जाएगी। अच्छा, योगी जी का स्पष्ट कहना है कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, माफिया मुक्त बनाएंगे, और लगातार चल रहा है। अच्छा, यही कारण होगा, देखा होगा कि पूरी दुनिया में अच्छा आज योगी जी के मॉडल की चर्चा हो रही है। अच्छा, चाहे भाजपा की सरकारें अन्य प्रदेशों में हो, चाहे कांग्रेस की सरकारें हों, अन्य विपक्षी दलों की सरकारें हों, वहां की जनता मांग करती है अच्छा कि हमारे भी प्रदेश में योगी मॉडल लागू किया जाए। अभी आपने देखा होगा पंजाब में जी इस प्रकार से अपराध बढ़े, वहां की जनता ने मांग करना शुरू कर दिया कि पंजाब में भी जो है योगी मॉडल चाहिए। अच्छा, तभी माफियाओं का सफाया होगा। आपकी बात और इसलिए जब इस प्रकार का अभियान चलता है तो तमाम समस्याएं आती हैं। अच्छा, और खासकर विपक्ष के लोगों के द्वारा, विपक्ष के हमारे साथी बंधुओं के द्वारा जिस प्रकार से माफियाओं के संरक्षण में उनके पक्ष में खड़े होते हैं, ये बड़े दुख का विषय है, कष्ट का विषय है कि देश और प्रदेश की जनता के हित का ध्यान न देके माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। इस प्रकार से आपने देखा होगा, चाहे समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश जी हो, उन्होंने अभी कुछ माफियाओं के नाम लिया, कहा कि फर्जी एनकाउंटर हुए हैं। आप देखिए, यह पहली बार नहीं हो रहा है। जब से आदि अनंत से, जब से मनुष्य जाति पैदा हुई, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो जी, अपराधियों का अंत होना चाहिए। अच्छा, किस तरह होना चाहिए इस पर कभी नहीं बहस हुई। अच्छा भाई, रामायण काल में अच्छा सब लोग कहते विभीषण ने गद्दारी की तब रावण का अंत हुआ, लेकिन रावण का अंत हुआ ना, अच्छा, एक अपराधी का अंत हुआ। अच्छा, उसी प्रकार आपने देखा होगा महाभारत में जो है जी, किसके अंत को समझा रहे हैं रामनाथ भाई? मतलब जैसे महाभारत काल में आपने देखा जो आपने तिथि बात कही, ये किसका अंत समझा रहे हैं? भीष्म पितामह का अंत हुआ, वो बता दीजिए, दुर्योधन का अंत हुआ जी। लेकिन आपने देखा होगा आखिर ये सब लोग अपराधियों के साथ खड़े थे। अच्छा, और सब क्या सबकी हत्याएं हुई, और किसी भी हत्या करने वाले की लोगों ने आलोचना नहीं की। अच्छा, यही कारण है, आपने देखा होगा प्रयागराज में महाभारत रामायण युग ले आया अतीक अहमद के और उनके भाई की निशंस हत्या हुई। मैंने कहता हूं को अच्छा कृत था। अच्छा, लेकिन पूरे देश की जनता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अच्छा, सबने कहा कि जैसा इन्होंने किया वैसा इनके साथ हुआ। अच्छा, लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अच्छा, जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देखा होगा सरकार से बहादुर जवानों ने तीनों अपराधियों को पकड़ लिया, सरेंडर किया, पकड़ा नहीं, सरेंडर किया, सरेंडर किया बिना किसी, अगर बहादुरी खातिर मार दिए होते तीनों का जो है, मतलब पुलिस ने पकड़ा तीनों को, गिरफ्तार किया, ये एक सराहनीय का। अरे वो तो हाथ उठाए खड़े हुए, पकड़ना कौन सी बड़ी बात है, पकड़ लिया। लेकिन फिर भी अगर पुलिस जरा से भी रिएक्शन करती तमाम निर्दोष लोगों की हत्या होती। अच्छा, एक भी हत्या नहीं हुई। अच्छा, और एक भी अपराधी बचा नहीं। अच्छा, तीनों की तीनों गिरफ्तारी हो गई। और पहले क्या होता था, अपराध करने के बाद अपराधी सीना खोल के सरेआम घूमता था। आपने देखा होगा राजू पाल की हत्या हुई और 15 से 20 गोली मारी गई,
उसके साथ जो है उसके सुरक्षा गार्ड उसको मारा गया। उसके बाद जब उनके साथी कुछ बचे उसको लेके चले गए जो है अस्पताल, अस्पताल में उसपे जब बिस्तर पे उसको अस्पताल में लेटे हुए थे विधायक जी, तब जाके अतीक अहमद के साथियों ने 20 राउंड फायरिंग की और यहां तक उनको तो मारा ही, जो उनको ले गए थे रिक्शे वाले तांगे वाले जो साथ में 4-5 लोग ले गए थे उनकी भी हत्या कर दिया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है, जो भी इस तरह का अपराध करेगा कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, जो लगातार कर रही है। रामनाथ भाई मेरे दो सवाल ले लीजिए बस। आपने रामायण और महाभारत युग की याद दिला दी, तो रामायण का जो आश्रय था वो किसके साथ था और महाभारत का आश्रय किसके साथ था, थोड़ा ये मेरा बहुत क्लियर है जी कि अगर अपराधी अपराध करता है तो सजा कोई न कोई देने वाला इस धरती पर पैदा होता है। अच्छा सर, आग उत्तर प्रदेश में तो अगर योगी जी आए हैं तो निश्चित रूप से अपराधियों का सफाया करने के लिए आए हैं। अच्छा, निमित्त कुछ भी हो जाए, अच्छा, लेकिन श्रेय योगी जी को ही जाएगा। अच्छा, क्योंकि उन्होंने ही अपराधियों के खिलाफ, बड़ी बात बोल दी आपने, निमित्त कोई भी हो जाए श्रेय योगी जी को जाएगा। किसको निमित्त करा दिया भाई? नहीं, आपने देखा होगा हमारे पुलिस के बहादुर जवान है, मुख्यमंत्री जी का जो है उन पर वरदहस्त है। अच्छा, कि किसी भी अपराधी को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। आज धड़ाधड़ इनकाउंटर हो रहे हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, अपराधी जान बचा के भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। यही तो फर्क है पिछली सरकारों में आज की सरकार में। ठीक, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ जी कि अपराधी अपराधी है जी, बचना नहीं चाहिए जी, चाहे जहाँ भाग कर जाए उसे पकड़ना चाहिए, उससे दंड मिलना चाहिए। ठीक है नितिन भाई, पूरी बातें सुनिए, स्पष्ट रूप से सुनिए, क्या राय है आपकी? सूची जारी हुई है भाई, अच्छी बात है। अगर माफिया को सूची जारी करने की बात कही जा रही है, अगर करोड़ों की संपत्ति जब्त करने की बात कही जा रही है, अगर बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, तमाम बड़े नाम उसमें शामिल है। ऐसा भी नहीं है कि कोई वर्ग विशेष को यहाँ पर टारगेट किया गया हो, अच्छी पहल है। आपका समर्थन क्या कहता है? देखिए, मैं अपनी शुरुआत करने जा रहा हूँ जी, बोलिए लोलेशानंद महाराज की जय, बोलिए शनीश्वर आनंद महाराज की जय, बोलो अरुण गिरी जी महाराज की जय। ये देवदूत हैं, शनि जी, अरुण जी, अच्छा, लोलेशानंद जी महाराज जी, ये सब देवदूत हैं। अच्छा, और ये सब देवदूत जैसा कि महाभारत का इन्होंने वर्णन किया हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि ये सब देवदूत आए और निमित्त कोई भी हो योगी जी की मंशा से। अच्छा, ये सब योगी जी के शिष्य। अच्छा, जो तमाम मठों में संत थे, ये देवदूत बन करके आए और एक पापी का अंत करके पुलिस की बात कर रहे थे, इसके लिए मैं इनकी जय बोल रहा हूँ। अच्छा, जैसा कि हमारे साथी ने कहा। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूँ कि लिस्ट की, लिस्ट भी चूंकि गौरव जी आधिकारिक रूप से लिस्ट नहीं आई है, बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं समझता नहीं हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। जी जी जी। दूसरी बात यह है कि अपराधी कोई भी हो जी, निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी, कार्रवाई समान रूप से होनी चाहिए जी। अपराधी का कोई पैमाना नहीं होता है, अपराधी किसी जाति मत पंथ मजहब से नहीं होता है जी। उसका एक उद्देश्य होता है एन केन प्रकारण अपराध, धन का हरण करना और अपने जीवन को सुख समृद्धि वैभव पूर्ण संपन्न करना जी। अब इसमें किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी जात का हो, कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है जी। अब अभी हमारे साथी ने एक बात कही, इन्होंने उदाहरण दिया कि 8 साल की समाजवादी पार्टी के दोनों कार्यकाल जोड़े आदरणीय नेताजी का, माननीय अखिलेश यादव जी का, और उसमें 500 से ज्यादा एनकाउंटर का जिक्र किया और बता दिया कि उसमें एक आध छोटे अपराधी थे और बाकी सब फर्जी एनकाउंटर थे। तो यही पैमाना मैं कहता हूं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में किसी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो वो फर्जी हो जाता है। अच्छा, लेकिन इसी सरकार में मैं तथ्य के साथ कहता हूं, और सबके सूत्र होते हैं, आपके भी सूत्र हैं, कि उसी असद को 3 दिन से पुलिस अपने पास रखे थी और बार्गेनिंग की जाती है कि गुलाम को दे दो, असद को छोड़ दिया जाएगा, फिर गुलाम हाजिर किया जाता है और गुलाम औसत दोनों को मार दिया जाता है। ये असली एनकाउंटर था। अच्छा, इसके बाद में तो कैदी होते हैं, दोनों के हाथों में हथकड़ी होती है और वो हथकड़ी लगा करके पुलिस की अभिरक्षा में माननीय अस्पताल जा रहे होते हैं और वहां अपना मेडिकल कराने। 3 देवदूत प्रकट होते हैं 8-8 लाख की पिस्टल लेकर के और आते हैं कनपट्टी में तमंचा लगा करके, न्याय करके पापों की सजा दे करके चले जाते हैं। और हमारे प्रवक्ता सरेआम टीवी में बैठ के इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि निमित्त कोई हो योगी जी ने हत्या की। इसके लिए मैं इनके सच बोलने की सराहना कर रहा हूँ। इस
बात को, अरे पुलिस की बात कर रहा है भाई, पुलिस की बात कर रहा है वो, पुलिस की बात कर रहा है। मैं बिल्कुल क्यों कह तो रहा है, निमित्त 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 कोई भी हत्या करने वाला हत्या जायज है, ये इन्होंने स्वीकार किया टीवी चैनल बैठ करके। और मानवाधिकार आयोग ने नोटिस सरकार को दी है, समाजवादी पार्टी है, दूसरे किसी को नहीं दी है। इसलिए एक बात मेरी कि अपराधी कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, आज आपने कहा ये सूत्रों से खबर आई, ये लिस्ट बनी है, निश्चित रूप से आपके सूत्र अच्छे होंगे, सही खबर भी हो सकती। मैं इसको तब सराहनीय मानूंगा कि जिस तरीके से लिस्ट बनाई जा रही है, घोषणा की गई है, इसी लिस्ट के अनुसार उसी परंपरागत जैसे अभी तक कार्रवाई की ढोल पीट रहे हैं, इसी परंपरा के तहत सबके साथ न्याय होना चाहिए। सब पर बुलडोजर चले, सबकी गिरफ्तारियां हो, सबकी संपत्तियां कुर्क हो, और जरूरत पड़े तो सब पर गोली चलो, सारे एनकाउंटर किए जाए, मुझे कोई दर्द नहीं होगा। समर्थन मिल गया, समर्थन मिल गया, समर्थन कर दिया निश्चित रूप से। लेकिन न्याय, लेकिन जिस तरीके से आज रामचरितमानस का और महाभारत काल का उदाहरण दिया गया, हमारे साथी विद्वान हैं, बहुत बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इनको शायद इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो दौर राजतंत्र का दौर था, जहाँ एक राजा दूसरे राजा की हत्या करके ही राज्य पर कब्जा करता था। ये लोकतंत्र है, यहाँ किसी की हत्या करके किसी के घर पे कब्जा करना ये न्याय संगत नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है, ये गैर संवैधानिक है, और ये अपराध की श्रेणी में आता है। आज न्याय आईपीसी सीआरपीसी और संविधान से होता है, उस दौर में आंख के बदले आंख और गर्दन के बदले गर्दन का प्रावधान था, सेनाएं आमने सामने लड़ती थी, और सीधे एक राजा दूसरे राजा के राज में चढ़ाई करता था, राजा की हत्या करता था, रानी को अपने रनवास में लाता था, राज्य उसका। आज किसी की हैसियत है कि आज एक व्यक्ति किसी पार्टी के नेता की हत्या कर दे और उस सीट पे कह दे आज एमपी, एक नेता चला जाए और एक एमपी की साथ हत्या कर दे, बोले कल से मैं एमपी, एक विधायक की हत्या कर दे कोई नौजवान और कह दे आज से मैं विधायक। ये नहीं होने चाहिए, और जो कानून व्यवस्था पर भी आप लगातार सरकार को घेरते नजर आते हैं, क्या राय है? अगर यहाँ पर सूची तैयार हो रही है, अगर मैंने सही बोल दिया क्योंकि ये जानकारी है कि बनाई जा रही है, आपकी क्या राय है? सूची बननी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए, प्रदेश के लिए जरूरी है, सरकार का ये कदम कैसा लगा आपको? गौरव भाई, मैं एकदम समर्थन करता हूँ कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश नहीं हमारा पूरा देश होना चाहिए जी। अपराधी की जगह जेल के भीतर होनी चाहिए जी। कानून के सामने घुटना टेका हुआ दिखना चाहिए जी। और वो दिखे, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा अनुसार वो उन लोगों के नाम को उजागर करती है जो किसी न किसी समय से किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए थे। अच्छा। और कभी न कभी भारतीय जनता पार्टी से भी वो जुड़े हुए थे, मगर जब वो आंख दिखाने लगे तो शायद अच्छा। अच्छा। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिन्होंने ये बात कही कि दबी जवान से लोग कह रहे हैं कि अपराधी की हत्या हुई है, और योगी सरकार में जो हुआ वो अच्छा हुआ, पंजाब में भी लोग योगी जी को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि योगी सरकार आनी चाहिए। अच्छा। मैं इनको याद दिला दूं, काबिल मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, योगी आदित्यनाथ जी ने 4 बड़ी जनसभाएं पंजाब के भीतर की थी, जितनी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी सभी सीटों पे जमानत जब्त हुई थी। दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने करीबन 6 बड़ी जनसभाएं की थी जी, और वहां पे क्या हाल रहा, 8 सीटें मात्र उनको वहां से मिली। योगी आदित्यनाथ जी ये भूल चुके हैं कि देश राम का है। अच्छा। ये देश कृष्ण का है जी। ये देश गांधी का है, भगत सिंह का है, चंद्रशेखर का है, खुदीराम बोस का है, फातुल्ला खान का देश है ये। अच्छा। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा जी। किसी गुंडे की तलवार या बंदूक से नहीं चलेगा। अच्छा। इन शब्दों ये गुंडा किसको बोल दिया भैया आपने? आदित्यनाथ जी कहते हैं ये गुंडा किसको बोल गए आप? ये गुंडा किसको बोल? योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हैं? जो गुंडा, अरे मुख्यमंत्री है, संवैधानिक पद है भाई, ये क्या बात? जेल में रहेगा। अच्छा। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी किस भाषा के इस्तेमाल करते हैं? अच्छा। गुंडा या तो जेल में रहेगा या तो सीधा ऊपर कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या होता है? आपको याद होगा एक पाटीदार थे, इंद्रकांत त्रिपाठी से उन्होंने घूस मांगी थी, आज तक एसएसपी बना रहे, और योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस कुछ नहीं कर पाई। योगी आदित्यनाथ कौन सा पाटीदार? पाटीदार महोबा बंद है, जेल में बंद है, आपको जानकारी नहीं? जेल बंद है, 2 साल बाद पकड़ लिया गया भाई, जेल में बंद है पर भाई, 2 साल बाद पकड़ लिया गया भाई, पकड़ लिया गया वो भाई। दो, अच्छा ये बताइए, एसएसपी के पद पे रहने के बाद 2 साल तक वो भागा रहा,
बिल्कुल भागा रहा, और एक ये नाकामी थी सिस्टम की, बिल्कुल सिस्टम की नाकामी थी। दो साल कैसे भागा रहा, बिल्कुल सिस्टम की नाकामी थी। कौन सा रामराज जी, कौन सा रामराज जी, इसको रामराज आप कैसे कह सकते हैं आप जी? ये रामराज की श्रेणी में आता है कि जहां पे एक केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा कैनी का पुत्र आशीष मिश्रा कैनी, जो किसान आराम से जा रहे थे अपनी बात निहत्ते बात रखते हुए जा रहे थे, उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ा देते, जिसमें पत्रकार की भी मौत हो जाती है, और योगी सरकार से लेके केंद्रीय मंत्रियों तक उसके बचाव में लोग उतर आते हैं, कहते वो तो खा ही नहीं थे उसके अंदर, अच्छा वो तो गाड़ी में ही नहीं था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जब लाठी चली तो पता चला वो गाड़ी में बैठा होता। एक नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जिसके ऊपर अभी कुश्ती वाले मामले में आपको याद होगा सारे पहलवान जो सड़कों पे उतर आए थे जी, और जांच में निर्दोष पाए गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जांच, राजपाल जी जांच में निर्दोष पाए गए, जवाब दीजिएगा जी। कब जांच होगी सर? नहीं जांच हो गई, जांच में निर्दोष पाए गए बोला, जांच हो गई निर्दोष पाए गए बोला। अच्छा जांच कौन कर रहा है जी? जांच कौन कर रहा है? आप अपनी जांच स्वयं करेंगे क्या जी? आप अपनी जांच स्वयं करेंगे, अपने आप को खुद नंबर देंगे? कोरोना काल में 9 करोड़ रुपए कस्तूरबा गांधी महिला विश्वविद्यालय से निकाल लिया गया, 9 करोड़ रुपए। योगी आदित्यनाथ जी कहा जांच होगी, आज तक उसका कुछ हुआ? अपने कर्म खुद पाप किए जा रहे हो, पाप किए जा रहे हो, अपने पाप के नंबर खुद तो दे रहे हो। आप इसकी जांच स्वतंत्र किसी किसी व्यवस्था से कराइए, नहीं कराई आपने, आपके यहाँ पे आप बताइए, आप अति कहमत से किया, मैं उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। वो एक अपराधी था, एक अपराधी का कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है, मगर ये जंगल राज नहीं है, जंगल का कानून नहीं लागू होता हमारे पास। राम राज तब आएगा कि इक्वलिटी आएगी, जो अपराधी है वो जेल में जाएंगे, उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो, चाहे सपा से जुड़ा हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हो। मगर भारतीय जनता पार्टी बार बार इंकित यही करती है कि हम उनको लिस्टो नाबूद कर देंगे जो हम पे उंगली उठाएगा, हमारी सरकार के ऊपर उंगली उठाएगा। 22 मुकदमे सांसद संजय सिंह के ऊपर लगा दिए गए, हमारा प्रदेश कार्यालय में ताला लगा दिया गया, एनएसए तक लगा दिया संजय सिंह के ऊपर, जो सांसद है राज्यसभा सांसद है, मेरे जैसे छुट भैया नेताओं के ऊपर 23-24 मुकदमे दर्ज है, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज बनते हैं जी। हम कहते हैं कि बलात्कार हुआ तो उसको रातों रात क्यों जला दिया आपने जी? आप उठा के मुकदमे कर देते हो जी। हम महंगाई को उतरते हैं तो मुकदमे कर देते हो, हम भारतीय जनता पार्टी की गुंडा राज पे बात करते हैं तो मुकदमे कर देते हो जी। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा उसके घर के ऊपर, अजय मिश्रा टेनी के घर के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, वो बाबा जी की पुलिस को नजर नहीं आया जी, दिखा नहीं होगा आपको। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो अपनी सुविधा के नहीं नजर आ रहा होगा, मिस्टर इंडिया बन गया होगा भाई, क्या दिक्कत है? सब से बदतर हालात होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी। ठीक है ठीक है ठीक है सुनील भाई जी, भाई सारा घटनाक्रम आपके सामने है, कोई चीज छिपी नहीं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, अगर लिस्ट जारी हो रही है जैसे विपक्ष मांग भी करता आ रहा था कि लिस्ट बननी चाहिए और सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, यहाँ पर धर्म वर्ग देख के कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सब पे कार्रवाई चाहिए, और जो लिस्ट है यहाँ पर जो लगातार सोशल मीडिया चल रही है जानकारी मिल रही है वो जो सभी वर्गों के नाम है, सभी वर्ग के माफिया, बड़े बड़े माफिया है जिनके ऊपर करोड़ों की संपत्ति है, उन पर यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं आप? गौरव जी मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा जी, वक्त का रास्ता हमवार नहीं होता है जी, अपना साया भी मददगार नहीं होता है, अच्छा दोस्त मजबूरियों की बात अलग है, वरना जन्म से कोई गुनाहगार नहीं होता है, अच्छा तो आज यही परिस्थितियां है गौरव जी जी, कि जब अपराधियों की बात पड़ती है तो कोई सपक पालन डाल देता है, कोई बसपा पालन डाल देता है, और कोई भाजपा पालन पड़ जाता है जी। आप कम से कम अगर भाजपा ने सूची जारी की है तो वहाँ उसमें हर धर्म के लोग हैं, हर जात के लोग हैं, आपको ये तो नहीं कि वर्ग विशेष के ऊपर ऐसा हो रहा है या ब्राह्मणों पे ऐसा हो रहा है या सुजाति लोग ठाकुरों को उसमें नहीं शामिल किया गया है जी। और एक राजा के लिए जी अपराधी अपराधी होता है जी, चाहे काहे ने उसका पुत्र ही हो, अच्छा और मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी को लोग अभी तक घेरते रहे कि सुजाति लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है, अच्छा
लेकिन जो सूची जारी हो रही है उस पे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी कार्यवाही करेंगे। उन्होंने एक बयान में भी कहा होगा, आपको याद होगा कि राक्षसों के समूल कुल को नाश करने के लिए ही उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। अच्छा, और वो जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, प्रीतपाल जी बहुत देर से भाषण दे रहे थे। अरे भाषण की सच्चाई बता रहे थे, क्या भाषण दे रहे भाई? सुन रहा था, कौन सी बात बोल दी उन्होंने? देखिए दिल्ली का हाल देख लीजिए, भाषण दे रहे थे क्या? नहीं नहीं भाई, नेता है, भाषण दे सकते हैं, भाषण हम नहीं दे सकते। भाई अतिथि अशरफ कांड हुआ तो उसमें बोल दिया, कोई भाषण देना क्या होगा भाई? नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, चलिए बोल रहे थे, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। अच्छा, लेकिन कम से कम दिल्ली का हाल, पंजाब का हाल देख लीजिए आप एक बार, वहाँ वो नजर नहीं आएगा, वो नजर नहीं आता है आपको। यही तो अफसोस है गौरव जी। अच्छा, कि राजनीतिक लोग अपनी कमी छिपाने के लिए दूसरे पल्ले निकल जाएंगे। बिल्कुल, कि सपा ने किया, भाजपा ने किया। आप गौर कर लीजिए कि ये माफिया भाजपा के भी कार्यकाल में रहे हैं। अच्छा, आप भी जान रहे हैं और प्रदेश की जनता भी जान रही है जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री और मजबूत कलेजे वाला मुख्यमंत्री भाजपा में कोई नहीं आया। अगर आया होता तो शायद जो आज माफिया इतने बड़ा साम्राज्य स्थापित किए हैं, उस साम्राज्य दसियों साल पहले उनका समाप्त हो गया होता, और कभी सपा में, कभी बसपा में, कभी भाजपा में पोषित न होते। अच्छा जी गौरव जी। अच्छा, 5 साल जो माफिया, वो नहीं लिस्ट नहीं थी क्या पहले? हाँ। नहीं थी 5 साल ये माफिया है? अचानक एकदम से स्वप्न आ गया, सुनने में आ रहा है कि माफिया एकदम से पैदा हो गए। देखिए, रजिस्टर्ड माफिया है, करोड़ों की संपत्ति अर्जित किए हुए है, तो मेरे ख्याल से पहले कार्यकाल पता होगा मेरे ख्याल से। देखिए, पता सब होता है गौरव जी। अच्छा, लेकिन धीरे 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 अच्छा अच्छा इतनी जड़े माफियाओं के मजबूत हैं। अच्छा, कि उनको हिलाना आसान काम किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं था, इसे दूसरे कार्यकाल जनता ने दे दिया। इसलिए सोचा होगा योगी जी ने कि अब धीरे धीरे चुनाव भी आ रहा है। अच्छा, चुनाव भी, उस चुनाव में इन लोगों की हैसियत भी पता चल जाए, क्योंकि पहले गौरव जी नेता माफिया पालते थे। अच्छा, माफियाओं ने देखा कि हमको नेता शरण में, क्या फायदा, हम खुद नेता बन जाए। और दर्जनों ऐसे माफिया जो राजनीतिज्ञों को बाईपास किए और खुद अपना जाके राजनीति में हिस्सेदारी ले ली। टिकट कौन दिया? वो मजबूरी थी। अच्छा, जब आप देखिए गंदे आदमी साथ, चोरों साथ आप रहोगे तो कभी कभी तो दाग आप पर लगेगा ही। अच्छा, जो अजगर को पालता है डसता। अच्छा, उसको भी है। आपने लादेन को देखा होगा, जिस देश ने लादेन को पाला उस देश को बर्बाद कर दिया लादेन ने। अच्छा, तो अपराधी, मैंने तो तमाम ऐसे नाम भी सुने जिनका जिनको जांच भी हुई थी, जिनके अरबों का संपत्ति पकड़ी गई थी। अवैध ये भी सुना था कि उनके यहाँ नोट गिनने वाली मशीनें आई थी, 5-5 दिन जो है उनकी मशीनें गिनी गई। उसका सुना है कि वो पार्टी में आ गए थे, भाजपा में, उसके बाद फिर वो स्पष्ट होगा, साफ होगा। आप हमको ये बताइए। हाँ, कि योगी जी की सरकार में कौन ऐसा आया है? मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि इससे पहले 3 मुख्यमंत्री हमारे रहे, राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री भी इस समय हैं। अच्छा, उनके कार्यकाल में इतनी हिम्मत उन्होंने चुरा पाई कि माफियाओं से पंगा लें। अच्छा, लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी जब से आए हैं उन्होंने कहा तो ये तो आपने राजनाथ सिंह पे उंगली उठा दी भाई, ये क्या मैं, अरे तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यही माफिया राजनाथ सिंह जी के कार्यकाल में भी रहे, कल्याण सिंह जी के भी कार्यकाल में रहे। अच्छा, और स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्ता जी के भी कार्यकाल में रहे जी। लेकिन इतनी बड़ी, इतना बड़ा कलेजे वाला कोई मुख्यमंत्री मेरा मानना उत्तर प्रदेश में नहीं आया जिसने ऐसे माफियाओं को ध्वस्त करने के लिए संकल्प लिया हो। मैं तो आपके राष्ट्रीय चैनल से अपने मुख्यमंत्री धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो निष्पक्ष सही ढंग से माफियाओं पर कार्यवाही करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि माफिया निष्पक्ष शब्द क्यों लगा दिया आप? निष्पक्ष देखिए, अब निष्पक्ष क्या, अभी प्रीतपाल जी कह रहे हैं। हाँ, कि वो उनके अरे ठाकुर जो माफिया है उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, सपा वाले भी कह रहे हैं सुजाती लोगों में समर्थन कर दिया उन्होंने। सपा वाले क्या कह रहे हैं? खुले समर्थन कर दिया सपा वालों ने। नितिन जी ने समर्थन तो किया। हाँ, लेकिन मेरे भाई से पूछो। हाँ, कि इनको नाम लेने में कासर क्या दिक्कत होती है? अच्छा, मैं अरे चला गया उसमें क्या दिक्कत है? अरे तो चला ही गया ना। चला गया तो क्या उसे नाम ले लेंगे क्या? अच्छा, इतना स्नेह है हमारे भाई, भाई नितिन जी को हमारे इतने स्नेह है। अरे सुनील जी, आप क्या भूल जाते हो? सुनील जी, मैं बोल रहा हूँ गौरव भाई, सुनील जी ये क्यों भूल जाते हो भैया कि उसको फरवरी 17 में समाजवादी पार्टी ने जेल भेजा था? आपको ये कहने में क्यों शर्म आती है भाई? नहीं भेजा आपने, धन्यवाद आपको, आपने भेजा, लेकिन कम से कम एक बार उसका नाम तो ले लीजिए। आप नाम लेने में डरते क्यों मेरे भाई? मेरी समझ नहीं आता। 1000 बार नाम लिया जा रहा है भाई। उस दिन भी आप मेरी डिबेट में थे तब भी आप कहिए अपराधी। आप चैनल से कहिएगा कि कसरा रही है जी। तो क्या इसका मतलब कहीं दर्द आपके सीने में है इसलिए आप उसका नाम नहीं ले पा रहे हैं? चले ठीक है, दर्द जी मैं एक बार जवाब दे देना चाहता हूँ सुनील जी का, इसके बाद कहीं आज जाके या दिलीप जी से ले लीजिए इसका टिप्पणी में। देखिए एक बात तो सुनिए सुनील जी, एक बात सुनील जी ने बहुत स्वीकार की, मैं इसके लिए तहे दिल से इनको धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने एक बात कही कि हमारे
तीन तीन मुख्यमंत्री हुए लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन हमारे योगी जी ये बात इन्होंने स्वीकार कर ली कि ये पत्रकार की हैसियत से बात नहीं कर रहे हैं, ये एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से बात कर रहे हैं। ये एक अच्छी बात लगी। और अगली बात से आप क्या कहने जा रहे हैं? दो प्रवक्ता बैठे हैं क्या? ये आपके मुख्यमंत्री नहीं है, आप क्या कहोगे? हमारे मुख्यमंत्री नहीं है पत्र। अगर ये अगर मैं भारत का नागरिक हूं पत्रकारिता साथ साथ तो सुन लीजिए ना, अगर ये नागरिक की हैसियत से कहते तो ये कहते कि इससे पूर्व भी बहुत सारे मुख्यमंत्री हुए, वो भी मेरे थे, मायावती भी थी, अखिलेश जी भी थे, राजनाथ भी थे, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर पाए, योगी जी कर रहे हैं, तो मुझे खुशी होती। इन्होंने तीन नाम स्पेशली कहे कि इससे पूर्व मेरे तीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह, रामप्रकाश, कल्याण सिंह हुए, लेकिन योगी जी। इसलिए आज से मैं ताली बजा कहता हूं, पत्रकार मत कहना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहना बस। चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए नितिन जी धन्यवाद आपको, कम से कम कार्यकर्ता पत्रकार से कार्यकर्ता बना दिया, इसके लिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है। दिलीप यादव जी, अब ध्यान से बोलिएगा, विशेषक है आप, यहाँ पे छोड़ेगा नहीं, नितिन भाई भी है और अनुरोध भाई भी बैठे हैं और सुनील भाई भी बैठे हैं अभी, क्या आपकी राय है, क्या कहना चाहेंगे? देखिये गौरव जी, प्रदेश में जो आज हालात है ये आज से नहीं है, 80 के दशक से जो है जी ये चालू हुआ राजनीति में अपराधियों का प्रवेश। बिल्कुल, दिलीप भाई की आवाज साफ नहीं आ रही। दिलीप भाई की आवाज बढ़ाइए। जी। मैं कह रहा था कि मैं 80 के दशक से जी राजनीति में अपराधियों का जो है प्रवेश हुआ और वो आगे चलते चलते जो है पहले बोलते रहिए। जी पहले जो है राजनीतिक जो है अपराधियों को पालते थे, अब जो है पूरी तरह से अपराधी जो है राजनीतिक हो गए और इसका खामियाजा आज ये भुगतना पड़ा हमें कि इनकाउंटर करना पड़ा, जो माननीय हो गए हैं उनका इनकाउंटर करना पड़ रहा है। तो इस पे लगाम लगाने की आवश्यकता थी शुरू से आवश्यकता ये थी कि जो भी पार्टियां थी, सारी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, इनको जो है शुरू में ही जो है इन अपराधियों को एक संसद में जो है विधेयक पारित करके, विधानसभाओं में विधेयक पारित करके, यदि किसी भी व्यक्ति पे 307 का हत्या का, हत्या करने का, साजिश का, भ्रष्टाचार का, जो संगीन मामले हैं, जमीन कब्जाने का या अपहरण करने का, ऐसे चीजों में दंगा फसाद करने का, उनको टिकट न दे। अच्छा। अपराध वहीं से जो है समाप्त हो जाता क्योंकि वो राजनीति में आ नहीं पाते। अच्छा। अगर उन पे आरोप लगा है, आरोप सिद्ध होने के बाद अगर वो जो है बरी हो जाते हैं तब जाके उनको टिकट दीजिए। ऐसा आप करेंगे पूरी संसद खाली हो जाएगी। खाली हो जाने दीजिए, खाली हो जाने दीजिए, कम से कम पढ़े लिखे लोग आए, एक अच्छे विचार पढ़े लिखे जनता सुनती क्या है भाई? नहीं सुनती है, जो है सुनना पड़ेगा। ये कानून जो है तो उन्हीं में से, उन्हीं गरीब में से, उसी जो है अच्छे लोगों में से जो है वो लोग आएंगे, बैठेंगे, जो है देश के लिए जो है कुछ कार्य करेंगे। अब आप जो है कैसे चल रहे हैं, जैसा अभी जो है सारे लोगों ने कहा कि जो है फला पार्टी के जो है बीजेपी के जो है फला गुंडे हैं, सपा ने भी लिस्ट जारी किया था उसमें जो है बीजेपी के गुंडे थे, या अखिलेश जी भी कहते हैं कि जो है इनके जो स्वजातीय लोग हैं वो नहीं आए, भी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो है हमने जो लिस्ट जारी किया है, जो हमारे किया गया है, मतलब सपा से कब से होने लगा अपराधी अपराधी होता है। जी नहीं, ये जो है भ्रम नहीं है, हकीकत है, लोगों ने फैलाया है कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहे, विधानसभा में कहते हैं कि जो है सपा द्वारा पोषित माफियाओं को जो है बख्शा नहीं जाएगा जी। ये सारे माफिया जो है सपा के कार्यकाल में पोषित रहे, ऐसा नहीं है कि जो है सपा में रहे, अगर वो सपा में रहे पोषित रहे तो जो है भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे जो है पोषित माफिया जो है वो सपा में चले गए, ये कमोवेश हर जगह है। तो इसमें अपराधी अपराधी है, दंड का प्रावधान है, लेकिन वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रह के, वो जो है संविधान के दायरे में रह के केस लड़ते रहो। नहीं केस, आपको एक चीज हम बताए, अतीक और अशरफ का जो है हत्या हुआ, कस्टोडियल मतलब उनको जो है मारा गया और ये बहुत बड़ी निंदनीय है, दो लोगों को मारा गया, दो सुने तो दो लोगों को मारा गया, लेकिन तीन माफिया पैदा हो गए, वो माफिया हो गए और
शायद जो है अतीक से इतने गहरे गहरे राज उगलवा लिए जाते तो वो जो है शासन प्रशासन के लिए कौन कहां पे जो है इन्वॉल्व है, किससे क्या है, क्यों ये साबरमती जेल गए, या ये जो है वहां से जो है बरेली जेल से जो है नैनी जेल क्यों शिफ्ट किया जाते, देवरिया जेल से जो है, ये सारी बातें हैं। इन सब चीजों का माफिया माफिया है, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इनकाउंटर जो है लास्ट का वो है कि जो है जैसे उसके बेटे का इनकाउंटर हुआ, वो भाग रहा था, उसको मार दिया। कोई भी जो है जब मोटरसाइकिल लेके भागता है जो है जंगलों में, उसकी औकात नहीं होती पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग करने की। चलो आप फर्जी बोल रहे हैं इसको। नहीं, मैं ये फर्जी नहीं कह रहा हूँ। तो क्या कह रहा? मैं आप बात समझिएगा, वो अपना जान बचाएगा कि जो है भागेगा जो है मतलब अपने बचाव में जो है वो जो है गोली मारेगा, ठीक है, पुलिस पे। तो कुल मिला के आप कहने का मेरे कहने का मतलब सुने, मैं देखिए इनकाउंटर देखिए गौरव जी, इनकाउंटर जो है योगी सरकार में तकरीबन जो है 10,000 के अपराधियों का हुआ है, या मानते हैं 10,000 के लगभग इनकाउंटर हुआ है। सपा में भी इनकाउंटर हुआ, बसपा में भी इनकाउंटर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो है जो बड़े माफिया है, उन माफियाओं को चाहे वो समाजवादी पार्टी के में पोषित रहे हो या भारतीय जनता पार्टी में पोषित हो, सभी का लिस्ट जारी करके बिना किसी जो है जाति, नहीं हो रहा है बिना जाति धर्म के, सब पे जो है पूरी तरह से कार्रवाई किया जाए। सब सभी बार मैं सबको दिया हूं भैया, आप देख सकते हैं जी। मैं भी देख रहा हूं, लिंक आप देख सकते हैं, गूगल खोल लीजिए आप। मैं भी वही जो है कह रहा हूं कि जो है आप प्रिंसु सिंह इन लोगों का नहीं है नाम, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के हैं, अच्छा, आपके जो है बृजभूषण शरण सिंह का नहीं है, अच्छा अच्छा, ऐसे तमाम जो है सेंगर के प्रॉपर्टी पे क्या काम हो रहा है। तो मेरे कहने में माफिया माफिया वो समाज के बदनुमा दाग हैं, भले वो माननीय बन गए हैं, इन पे जो है कठोर से कठोरतम जो है कार्रवाई होनी चाहिए। भाई पूरा सुन लिया आपने, सबका जवाब आपको देना, सत्ता पे आसीन है और जवाब देगी जिम्मेदारी आपकी, बारी बारी सबका जवाब देगी। नहीं गौरव जी, अभी समाजवादी पार्टी के मित्र और आम आदमी प्रवक्ता के मेरे मित्र कह रहे थे पिछले 5 साल में कितनी संपत्ति जब्त हुई। अच्छा, मैं पूरा हिसाब लेके आया हूँ जी। पिछले 5 साल के कार्यकाल में जी 1300 करोड़ की संपत्ति माफियाओं की जब्त हुई जी, और अभी 1 साल के अंदर जी 1,000 करोड़ की संपत्ति जी उत्तर प्रदेश में माफियाओं की जब्त हुई। 2300 करोड़ टोटल अपराधी जो है 192 इनकाउंटर हुए हैं, 50 से ज्यादा माफिया जो है मारे गए हैं इसमें इनकाउंटर में जी। और अभी आम आदमी पार्टी के मेरे यादव भी माफिया था ना, नहीं नितेन जी नहीं, आपके 8 साल के कार्यकाल में 517 इनकाउंटर हुए थे, उसमें एक माफिया रमेश कालिया के अलावा हमको एक माफिया का नाम बताइए जिसके ऊपर 10,000 मुकदमे दर्ज हों, बता दीजिए। 517 इनकाउंटर हुए थे 8 सालों में जी, और उसमें जो है 300 से ज्यादा यादव समाज के लोगों के इनकाउंटर हुए थे। क्योंकि आप हमेशा गलत काम करते आए हैं तो आपकी आदत में है कि सामने वाला भी गलत करता होगा। और नितेन जी ये आपके ही कार्यकाल के हैं 517 इनकाउंटर, बहन जी के कार्यकाल में 315 इनकाउंटर हुए जी। तो अगर आज कोई प्रदेश को सुधारने के लिए नितेन सिंह जी, पूरे देश में एक भी प्रदेश नहीं होगा जिसने ये कहा हो कि अखिलेश जी को हमारे आना चाहिए, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को हमारे जैसा भेजना चाहिए, दिल्ली के, लेकिन योगी जी के लिए पूरे देश में मांग हो रही है कि योगी मॉडल हमारे यहाँ लागू किया जाए। नितेन जी, आप तो आपकी सरकार 5 साल रही, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रहे, देश के किसी प्रदेश ने नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल हमारे यहाँ लागू होना चाहिए, लेकिन आज देश के लगभग सारे प्रदेशों में ये मांग हो रही है कि योगी जी का मॉडल लागू होना चाहिए। अभी मित्र कह रहे थे कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो गई अपराधियों की, कितना तकलीफ इनको हो गई। अच्छा, राजू पाल अकेले नहीं थे, उनके साथ 4 सरकारी गनर थे, बिल्कुल थे। उमेश पाल अकेले नहीं थे, उनके साथ 2 सरकारी गनर थे। आपकी सरकार में हुआ ना उमेश पाल? नहीं, नितेन जी ये आपकी सरकार में हुआ। राजू पाल की जिस प्रकार की हत्या हुई उसके बाद
उन अपराधियों के लिए संरक्षण के लिए आपके नेताओं का खुलेआम मंच पर आना, उनकी पैरोकारी करना, कहना कि इनके साथ राजू पाल की पत्नी इनका बचाव करना, ये दर्शाता है कि आपके पाले हुए अपराधियों पे, आपके पाले हुए माफियाओं पे अगर उत्तर प्रदेश में कोई संत आके कार्रवाई करने का काम कर रहा है आपको तकलीफ हो रही है। नितेन जी, मैं आपकी जानकारी बता दूं, आगे भी तकलीफ होने वाली है, क्योंकि बाबा जी रुकने वाले नहीं है। उन्होंने लिस्ट जारी कर दी है, बाबा जी ने लिस्ट जारी कर दी है कि किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं, किसी जाति धर्म को। मैं कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि अपराधी नहीं है, ये आपको टच लेना है, एक कोई अपराध करके दिखाइए, देखिए बाबा जी की पुलिस कैसी कार्रवाई करती है। अच्छा, अगर कोई भी अपराधी अतीक अहमद जैसा कांड कराने का प्रयास करेगा तो उसका भी उस वही हश्र होगा। अच्छा, तो अतीक अहमद उससे दुर्घटना हुआ है। भाई, ये नितेन जी, ये योगी जी की सरकार है, किसी भी माफिया को बख्शने वाली नहीं। माफिया अपराध करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, और कोई अपराधी हो। तमाम अपराधी पिछले समय से अपराध किए हैं, अगर शांति से बैठे अपनी जान बचा के जान की भीख मांग रहे, प्रदेश छोड़कर चले गए, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन अगर किसी ने हमारी सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को चुनौती दी, तो हमारी सरकार और पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार किया, और ये आपके सामने उदाहरण है अतीक अहमद और उसकी पूरी गैंग का। अतीक अहमद अपराधी होके वो चिल्ला रहा था कि बाबा जी ने हमको मिट्टी में मिला दिया है, हम तो रगड़े जा रहे हैं। जब इस तरह अपराधी सरेआम बोलते हैं तो देश की जनता, प्रदेश जनता को विश्वास होता है। अच्छा, कि आज अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन आपकी सरकार में 517 अपराधियों का आपने एनकाउंटर बता रहे हमने किया, लेकिन एक भी अपराधी ने ऐसे बयान नहीं दिया जैसे अतीक अहमद ने दिया। अच्छा, इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपराधी अपराधी है, अपराधियों के साथ वही सलूक होना चाहिए जो सलूक उन्होंने आम जनता के साथ करते हैं। आम जनता के हित में चलिए, हो गया। कोई भी अपराधी अगर गलत करेगा हो गया। बाबा जी उसे बख्शने वाले नहीं है। ठीक है। अच्छा, नितिन भाई पूछ रहा है, पुष्पेन यारा पे 116 का केस भी नहीं था? बिल्कुल, केस कोई केस ही नहीं था, उसके एनकाउंटर हुआ, उस पर जवाब दे दीजिए। नितिन भाई बहुत जल्द पूछ रहे हैं, नितिन भाई कुछ पूछ रहे थे यार आप, पुष्पेन यादव वाला कोई मामला? हां, झांसी का हमारा पुष्पेन यादव, उसके ऊपर मुकदमा तो छोड़ दीजिए, कभी 116 की कार्रवाई भी नहीं हुई थी। दरोगा जी ने रिश्वत मांगा, उसने पैसा मांग लिया, आज उसकी हत्या हो गई, क्या कहेंगे राम निवास जी, जरा बता दें। नितेन जी और उनके नेता भी अखिलेश उसके अतीक अहमद के बारे में कह रहे थे जी, कि बताइए पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या हो गई जी, उसके बेटे को पकड़ के मार दिया। अगर आपको अपराधी, भाई मैंने आपसे कहा ना, आप अपराधी को अपराधी की श्रेणी में लाइए, अगर कहना है अपराधी था इसलिए मारा गया है, तो हमारी ही पुलिस है। अच्छा, उनको जेल भेजने काम किए जी। अगर किसी ने गलत काम किया है, चाहे पुलिस हो चाहे अधिकारी हो, योगी जी की अच्छा, सरकार में उनको भी जेल भेजने काम किया है। मैं कहता हूँ ना कि 192 एनकाउंटर हुए, भाई 4-6 एनकाउंटर नाम बताइए ना, बोलता कि जिन पर एक भी मुकदमा नहीं है, पुलिस पर फायरिंग नहीं किया है, या पुलिस अभिरक्षा में नहीं भगे हैं, ऐसे अगर इनकाउंटर हुए तो बताने काम करिए ना जी। 192 इनकाउंटर हुए हैं, आप बताओ ना, आपको जानकारी नहीं क्या? नहीं, नहीं। आप उत्तर प्रदेश में नहीं रहते नहीं, हो? नितेन जी, भाई आप तो बताए ना, आपको अतीक अहमद को अपराधी नहीं मानते हो, आप इरफान सोलंकी को भी अपराधी नहीं मानते हो, आप अपराधी मुख्तार अंसारी को भी नहीं मानते हो, तो आप जब किसी को अपराधी मानते ही नहीं हो, तो आप अपराधी की बात क्यों करते हो? क्योंकि सारे के सारे अपराधी आपकी सरकार में संरक्षण को मिला हुआ था, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही, ठीक है, हो गया, तकलीफ हो रही, ठीक है। नितिन भाई बोलेंगे, नितिन भाई बोलेंगे। राम निवास जी जी, देखिए गौरव जी जी, मैं बहुत देर से राम निवास जी को सुन रहा था, एक तो जो मैंने प्रश्न पूछा उसको बड़ी खूबसूरती से टाल गए, और ये सिर्फ एक नाम को लेकर के अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, आज मैं इसी पर चर्चा कर लेता हूँ। बोल लीजिए। एक बात तो ये कि मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, ये मैं ही स्वीकार कर सकता हूँ, दूसरा प्रवक्ता शायद ना स्वीकार कर पावे, कि अपराधी अपराधी होता है और वो राजनीतिक संरक्षण चाहता है, और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनने से पूर्व, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो, चाहे हमारे नेताजी की सरकार क्यों ना रही हो, सारे अपराधी
जिसकी सरकार होती थी उसके सरकार के साथ में अपने आप रहते थे, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। चाहे वो राजा भैया हो, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह हो, चाहे वो कुलदीप सिंह हो, चाहे वो अतीक हो, चाहे वो मुख्तार हो, तमाम सारे लोग जिसकी सरकार होती थी, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा, सबके साथ रहे। ब्रजभूषण सरन सिंह भी समाजवादी पार्टी में रहे, कुलदीप सिंह भी रहे, राजा भैया भी समाजवादी पार्टी के साथ रहे, लेकिन जब से 2012 से आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नेतृत्व संभाला, इन तमाम अपराधियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया, एक बात। दूसरी बात जिसकी बार बार ये चर्चा कर रहे हैं, अतीक 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 कह रहे, नाम लेने से डरता हूं, मैं छाती ठोक के नाम लेता हूं, उस अतीक अहमद को आईना दिखाने का काम समाजवादी सरकार से शुरू हुआ था और समाजवादी पार्टी ने उसको जेल भेजने का काम किया था, उसके बाद से आज तक वो बाहर नहीं आ पाया। लेकिन इसके बाद जब मेरा सवाल उठता है, ये बार बार कह रहे हैं अतीक आतंक कर रहा था, तो जो सूरत की जेल में था वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो उत्तर प्रदेश में देवरिया में रहा, बरेली में रहा, नैनी में रहा, वहां वो दरबार चलाता था, भारतीय जनता पार्टी योगी बाबा सरकार, वो नंदी गुप्ता उसके साथ बैठकर जलबैया डालते रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, आखिर वो जेल से बैठकर षड्यंत्र कर रहा था, गैंग चला रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की पुलिस की नाकामी नहीं तो क्या, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नाकामी नहीं तो क्या? और इसके बावजूद भी अगर आप पीठ थपथपाते हो तो इससे ज्यादा बेशर्मी की बात कुछ हो नहीं सकती। समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस माफिया पर कार्रवाई की थी, सिर्फ निंदा इस बात की जाती है कि अपराधी अपराधी होता है, उसके ऊपर न्याय संगत और संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्रियों तक की हत्याएं हुई है, लेकिन उन अपराधियों पर पुलिस ने बाकायदा न्याय के तहत कार्रवाई की है और उनको जेल भेजा गया। बहुत सारे उसमें बरी भी हुए, बहुत सारे को, चाहे इंदिरा गांधी जी के हत्यारे रहे हो, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे रहे हो, या और बहुत सारे बड़े बड़े माफियाओं के नाम लिए जाए। लेकिन मेरी निंदा सिर्फ इस बात की है कि आप कानून से ऊपर नहीं हो सकते हो। कानून के तहत जितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जा सकती है वो दी जानी चाहिए, लेकिन अगर ये परंपरा डालोगे तो योगी आदित्यनाथ जैसे लोग भी सदन में रो रहे थे कि मेरा एनकाउंटर हो सकता है, अमित शाह जैसे त्रणीपाल लोग रहे हैं वो भी न्याय की शरण में गए थे कि हमें दूसरी सरकारें मेरा तड़ी पार करके मेरा एनकाउंटर कर सकती हैं। इस परंपरा को बढ़ावा मत दीजिए, कोई भी कानून के तहत किसी को कितनी बड़ी से बड़ी सजा दी जाए हर आदमी स्वीकार करता है और उसका स्वागत करता है, लेकिन अगर आप न्याय व्यवस्था को पंगु करके अगर दिन दहाड़े हत्याएं करवाओगे संतोष लौले तिवारी जैसे लोगों से और स्वयं स्वीकार करोगे टीवी में बैठ के वो देवदूत थे, आए और न्याय करके चले गए, इस परंपरा की निंदा नहीं करोगे तो वही हाल होगा जो आज लादेन के जैसे लोगों का और आज अफगानिस्तान में जिस तरीके से हो रहा है कि वही नौजवान जो कल सरकार द्वारा पाले जाते थे आज दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, सरकार को बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी नौजवान सिर्फ फिर आएगा और जय श्री राम का नारा लगाएगा और किसी भी सदन में बैठे आदमी की हत्या कर जाएगा और इसकी परंपरा को आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा, इसलिए ऐसे लोगों को बढ़ावा मत दीजिए। मैं निंदा करता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि लगातार जो भी अपराधी है न्याय संगत कार्रवाई हो, कानून के तहत उसको फांसी की सजा दी जाए वो स्वीकार है, और आप अपनी पुलिस से कहिए कि बढ़िया कार्रवाई करे, फांसी दिलवाइए, लेकिन अगर अपराधी की और कैदी की हत्या अपराधियों से करा दी जाएगी इससे ज्यादा निंदनीय बात हो नहीं सकती। ठीक है मामला जवाब दीजिए, फिर प्रपल भाई को लेता हूं। नितिन सिंह जी कह रहे थे कि जो है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कभी इन्होंने अपराधियों से कहा कि आपको खुलेआम टीवी कैमरे पे गोली नहीं चलानी चाहिए? अतीक अहमद उसके पूरे गुर्गों के सामने देखा किस प्रकार सीसीटीवी कैमरे में फायरिंग करते हुए दो दो हमारे बहादुर जवानों की हत्या कर दिया, गवाह की हत्या कर दिया। अगर उनके साथ भी अगर नरमी की बात आप करते हैं तो योगी जी की सरकार में उनके साथ नरमी नहीं होने वाली है। और जो तीनों ने अपराध किया है, अतीक अहमद उसके भाई की हत्या की है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, गिरफ्तार है, ये बक्से नहीं जाएंगे, क्योंकि योगी जी की सरकार है। अच्छा, जिसने भी इस तरह के दुस्साहस करने काम किया, अगर अतीक अहमद ऐसा दुस्साहस न करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मिट्टी में मिलाने की सौगंध लेनी पड़ती, और मिट्टी मिलाने की सौगंध के कारण है कि आज उनका पूरा खानदान मिट्टी में मिल गया है। इसलिए नितेन जी चिंता मत करिए, कोई भी अपराधी ऐसा जघन्य अपराध करेगा योगी जी उसे बख्शने वाले नहीं। पार्टी जो पसमानदा अभियान चला रही थी, क्या अतीक की मर्जी के बगैर चला रही थी? पसमानदाओं का सबसे बड़ा नेता अतीक था और उसी के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही थी। बोले बाद में जब गले की हड्डी बन गया तो उसको मार दिया इन लोगों ने। बोले बोले भाई, अब नितेन जी है जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, इनके नेता भी ऐसे बोलते हैं। अच्छा, जब वो जो है अतीक अहमद को अतीक जी बोलते हैं, अच्छा,
और बड़े बड़े माफियाओं को, मुख्तार अंसारी को मुख्तार अंसारी जी बोलते हैं, तो ये भी उनकी भाई उन्हीं के तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये तो उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन नितेश जी, ये योगी जी की सरकार है, ये उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, अपराधी के साथ वही सलूक होगा जो हमारी सरकार कर रही है। किसी भी अपराधी को बख्शने वाले हमारी सरकार नहीं है, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, कोई अपराधी हो, ऐसा कोई जघन्य अपराध करेगा उनको यही हाल हमारी सरकार करेगी जो कर रही है। दूसरे तरह से इनका नाम लेने पर जुबान चलती है, प्रदेश का इनका नाम लेने पर जुबान चल जाती है तुम्हारी। अरे आपको लगता है कि उनको हमारी सरकार में जिसे बोलिए ना, एक अपराध करके दिखाए तो अतीक अहमद जैसा, उनका भी हस्त देखिए। नितेश जी, अगर आपको लगता है कि खाली मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही, तो हम कहते हैं कि आपके साथी है वो, उनसे कहिए एक सरेआम हत्या करके दिखाए, वही असर होगा जो अतीक अहमद उसके भाइयों उनके ग्रुपों का हुआ है। दूसरा जैसा गुंडा तुम्हारी पार्टी में सांसद है जी। नहीं, आप अगर आपको लगता है आपके मित्र हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो एक बार कह के देखिए, अखिलेश जी की सरकार मंत्री थे, अरे कह के देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना कि अतीक अहमद ऐसा कृत करके दिखाए, फिर देखिए हमारी सरकार क्या करती है। नितेन जी चिंता मत करिए, जो भी अपराधी ऐसा कृत करेगा उसके साथ यही असर होगा जैसा अतीक अहमद उनके गुरुओं के साथ हो रहा है। चलिए हो गया, ठीक है, प्रपाल सिंह चलू जा, पुष्पेंद्र पर जवान चल गई, पुष्पेंद्र पर नहीं बोल पाए, चलिए पुष्पेंद्र यादव पर नहीं बोल पाए, जुबान चल गई। अब अतीक अहमद आपके रिश्तेदार है तो हम क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार समाजवादी पार्टी अतीक अहमद का नाम लेने से बचती है, अच्छा, क्योंकि लगता है कि इनके पाले हुए हैं, इसलिए उनकी तमाम संपत्तियां इनके पास है। योगी जी उसको दरबार चलवाते थे, चलिए नाम लेने की हैसियत आपकी नहीं थी, आप दरबार देवरियम चलवाते थे, हमने गोलियां चलवाई है, नाम लेने को दबाव छोड़िए, नैनी ट्रांसफर करा के लाए। आपने रात को 11 बजे चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी और आपने उसको नैनी जेल में ट्रांसफर करवाया था, ये क्या था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कौन सा रिश्तेदार था। बलिया जेल से चलते चुनाव में चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर योगी जी ने उसको नैनी जेल में क्यों ट्रांसफर करवाया था बताइए जरा। और अगर वो रैकेट चला रहा था तो दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की थी, चाहे गुजरात की हो चाहे उत्तर प्रदेश की, कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई, कौन उसको सेलुलर फोन देता था, कौन उसको मोबाइल फोन देता था, कौन उसकी मिलाई कराता था। ठीक है, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी उसके मंत्री चलवाते थे, ठीक है, आप सबने देखा उनका इलाहाबाद का मेयर का पति, और लेकिन आपकी तकलीफ का मंत्री नंदी गुप्ता, आपकी तकलीफ देख के लगता है कि अतीक अहमद के बनने से ज्यादा तकलीफ आप लोगों को भी। चलिए, अरे अपराधी है, अपराधी को अपराधियों जैसा सलूक होगा, ये योगी जी की सरकार है, किसी अपराधी को बख्शने वाली नहीं। अमित गोयल बताओ, संजीव अग्रवाल बताओ, राजीव अग्रवाल योगी जी के बगल में क्या कर रहे हैं खड़े होकर के, जो अतीक की सारी संपदा के मालिक है, अमित गोयल, राजीव अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, ये योगी जी के दाएं बाएं खड़े होकर क्या कर रहे हैं, खुलवाना चाहते हो मुझसे। उसकी बहन कह रही है अतीक अहमद की कि ये अब अतीक अहमद की बहन जो कहेगी वही ये कहेंगे, क्या पार्टी से निकालोगे, पूजा पाल कहेगी उसकी बात नहीं सुनेंगे, उमेश पाल की पत्नी कहेगी उसकी बात नहीं सुनेंगे, अतीक अहमद का बेटा कहेगा तो उसकी बात सुनेंगे, अतीक अहमद की बहन कहेगी उसकी बात सुनेंगे, अतीक अहमद की पत्नी कहेगी उसकी बात सुनेंगे, मुख्तार अंसारी की पत्नी कहेगी बात सुनेंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगी, हो गया हो गया, पूजा पाल की पत्नी की बात नहीं सुनेंगी, पूजा पाल भाई हो गया, सुनिए हो गया हो गया, अतीक अहमद की पत्नी की बात सुनते हैं, लेकिन पूजा पाल की जो है वही आपकी पार्टी की विधायक है ना, उनकी तो बात सुनिए। उन्होंने भरे मंच से कहा है मीडिया के माध्यम से कि योगी जी रहते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमको इंसाफ मिला, और समाजवादी पार्टी सरकार रहते हमको इंसाफ कभी नहीं मिलता। अच्छा। आपकी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने कहा योगी जी पर विश्वास किया, इस तरीके का कोई बयान नहीं है, प्रतपाल बोल रहे, प्रतपाल ठीक है, प्रतपाल सर जो बोलेंगे, प्रतपाल भाई बोलिए, हो गया पार्टी के प्रवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और एक पत्रकार महोदय जी, ये बार बार इस बात को कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे जिगरे वाले व्यक्ति हैं, हाँ। जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध को खत्म कर दिया, मूल से खत्म कर दिया, जब वो मूल से खत्म हो चुका होता जी, तो वो खुलेआम क्यों गोलियां इलाहाबाद प्रयागराज में चलती है, फिर दूसरी बार फिर गोली चलती है और सटा के गोली लगा के मारी जाती है। अच्छा। अगर अपराध खत्म था तो ऐसा क्यों था जी। और उस योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं जो 2016 में संसद के भीतर फूट फूट के बच्चों की भांति रो रहे थे,
जी अपनी जान की दुहाई दे रहे थे कि मुझे उत्तर प्रदेश में मेरा काउंटर हो सकता है जी, ये उनकी तारीफ कर रहे हैं जी। आप वो आज वो मुख्यमंत्री है, पुलिस उनके अधीन आती है, ये बताइए हमको उत्तर प्रदेश में कौन सा अपराधी गैंग सक्रिय है ये बताइए, और पंजाब का हाल देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ बेटा, चैनल पे पंजाब आप संभाल नहीं पा रहे हैं, दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं, जमुना जी की हालत इतनी गंदी हो गई है, दो दो मंत्री आपके जेल में है, तीसरे जाने वाले हैं, आप क्या योगी जी प्रधान बनाएंगे? जी आपकी सरकार में क्या क्या हुआ है, अपने अपनी भी सरकार ठाक देखिए, अगर मैं बोल बोलने बैठूंगा तो नाम हो जाएगी सारा टाटा मुझे सत्ता हुआ होगी, आपकी सरकार में क्या क्या हुआ है? अपनी बाजी केजरीवाल जी भी शायद जाने वाले हैं या क्यों गए हैं? आप जिस चीज को दावा करके आए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देंगे, आप भ्रष्टाचार भी स्वयं लिप्त हो गए हैं और सीबीआई आप दोनों आपके मंत्रियों को जेल की सलाखों पीछे फेंक दिया है। आप हमको प्रीतपाल जी उत्तर प्रदेश में फिरौती चुनौती ठीक बवरिया आप एक नहीं था दसियों गैंग बता सकता हूँ जो आप लोग सरकार आप सरकार तो नहीं रही है अन्य सरकारों में ऐसा सक्रिय रहे हैं। आप बताइए कोई अपहरण बड़ा हो रहा हो दगटी नहीं होती क्या बताइए? अरे भाई सुनील भाई दगटी नहीं होती क्या? चोरी नहीं होती क्या? कैसी बात कर रहे हैं? देखिए छोटे मोटे अपराधों पर इतना बड़ा प्रदेश है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं जी, आप ये बताइए कहीं कच्छा बनियान कहीं बवरिया ऐसे दर्जनों गैंग से जनता हमारी परेशान रहती रात रात सोती नहीं थी? आप एक गैंग बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश गैंग इस तरह से अपराधी कृत्य कर रहा हो। छोटे मोटे अपराधों को कोई नहीं रोक पाएगा, समाज होगा अपराध होगा, लेकिन सक्रिय अपराध हो रहा हो बता दीजिए हमको, और जो अपराध किया हो घूम रहा हो उसको बताइए हमको आप। अच्छा अपराध तो हुआ, समाज होगा तो अपराध होगा, लेकिन अपराधी न्यायालय तक निश्चित रूप से पहुंचेगा। योगी जी की सरकार में कोई घूम रहा तो आप, मैं राष्ट्रीय चैलेंज में बैठा कर रहा हूँ, बता दीजिए हमको। ठीक है दिलीप यादव बोले, दिलीप भाई जी सबको आईना दिखाइए। देखिए एक बात है, दूध के धूले तो कोई नहीं है जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो है प्रतिपाल जी की आवाज चली गई जी, सवाल ये उठता है कि जो है और लोगों पे जो है कार्रवाइयां क्यों नहीं हो रही जी। इलाहाबाद के जो है सूरज भान करवारिया, क्या बात है, वो भी जो है माफिया है, उनका जो है नंदी और जो है विजय मिश्रा इन लोगों से आपस में जो है तालमेल अच्छे नहीं रहे, वो जो है समाजवादी सरकार में जी बवाल हुआ था, जो है नंदी जी के हाथ बम भी मारा गया था जी, उनकी क्या भूमिका रही, उनके प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है? वहीं पे एक चीज और इलाहाबाद की ही बात बता दूं जी, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के विधायक है निषाद जी करछना से, अच्छा उनका एक मामला बहुत तगड़ा चल रहा है, एक जो है लड़की है ब्यूटी पार्लर चलाती है, उसको वो ले आए और जो है लखनऊ और जो है दिल्ली कई जगहों पे उन्होंने शोषण किया, वो लड़की बिलख बिलख के रो रही है जी, वहां पे क्या कार्रवाई हो रही उन विधायक के खिलाफ जी। दूसरी बात की जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी साहब हैं, टेनी साहब के ऊपर जो है 23 साल पहले जो है हत्या का मुकदमा दर्ज है और गोली उन्होंने ही मारा है और साक्षात जो है मारा है, लोगों की गवाहियां है, हाईकोर्ट में जो है केस चल रहा है प्रभात हत्याकांड, प्रभात गुप्ता हत्याकांड पे, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं रही, उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इसी तरह से एक और जो भ्रष्टाचार का जो है जिस फरोसी का अड्डा हो चुका है, हम अपने मित्र से जो है कहेंगे भाजपा के जो है जो नेता है रामनिवास जी, उत्तर प्रदेश भवन जो है जो दिल्ली में है वहां पे जो है जिस फरोसी का अड्डा हो चुका है, अच्छा। जबकि जो है कर्मचारियों को 3 साल तक जो है रहने की जो है वहां पे जो है तैनाती का है, कहीं पूरे प्रदेश में कानून है योगी जी ने बनाया है, इसके बाद जो है जिले से बाहर का जो है 9 साल का है और 15 साल वहां 25-25 साल से रिटायरमेंट हो गए हैं लोग पड़े हुए हैं और वहां पे जो है वही कर्मचारी जो है लड़की जो है प्रोवाइड करता है और ये रैकेट बहुत तगड़ा चल रहा है, ये क्वेश्चन मार्क है। यही चीज जो है सेम महाराष्ट्र में भी जो है उत्तर प्रदेश भवन है, अच्छा वहां पे भी जो है यही चल रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ये जो संगठित अपराध हो रहे हैं, अच्छा इन अपराधों पे जो है हम सभी लोग जो है उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो है योगी सरकार ने जो है माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने जो है कार्रवाइयां चालू की है, ऐसे पोषित माफियाओं पे, ऐसे जो है दलालों पे, ऐसे जो है सार्वजनिक जो
सरकार की संपत्तियां हैं उस पे कब्जा किए, लोगों के साथ भी जो है जो भी जो है संविधान में जो है कानून में जो है कानून के दायरे में कठोर से कठोरतम दंड का प्रावधान हो उसके तहत जो है इनके साथ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और करें। अच्छा ठीक है रामनाथ भाई, एक छोटा जवाब दे दीजिए खत्म करता हूँ दिलीप भाई की बात पर। जी नहीं, दिलीप भाई ने बहुत सही बात कही कि जिस प्रकार से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काकस था। आज किसी मुख्यमंत्री ने हिम्मत दिखाई है खिलाफ कार्रवाई करने की, हजारों करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त हो रही है ठीक, और तमाम विपक्ष के लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं, इन सारी चुनौतियों को पार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपने अभियान में सफल होंगे। कोई भी विपक्ष का नेता हो, कोई भी सरकारी बड़ा अधिकारी हो, जो भी बचाने का काम करेगा। अच्छा। मुख्यमंत्री जी का बहुत स्पष्ट संदेश है, ऐसे किसी भी अपराधी को छोड़ना नहीं है। अच्छा। उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होनी है जो आप लगातार देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए योगी जी के रहते कभी भी इस बात का विश्वास हो ही नहीं सकता कि अपराधी अपराध करे और खुलेआम सीना खोल उत्तर प्रदेश घूमे। उत्तर प्रदेश घूमने का मतलब उसको ऊपर जाना, अगर अपराध करने के बाद तुरंत जेल चला गया तो भाई एक कमेंट लेना पड़ेगा। अगर वो कहीं बाहर घूम गया भाई एक कमेंट ले लो, ऊपर जाएगा। पहले योगी जी की सरकार है, ये बाबा जी की सरकार, एक संत की सरकार है। अच्छा, जहाँ संत की सरकारें होती हैं वहाँ किसी अपराधी की हैसियत नहीं, आखिरी कमेंट करके खुलेआम घूम सके। आखिरी कमेंट कर दीजिए, जल्दी करिए नितिन भाई। आखिरी कमेंट इसलिए करूंगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया है कि अब कानून का राज्य नहीं चलेगा। अच्छा। अब जुडिशियल सिस्टम पर कोई विश्वास नहीं रहेगा। अच्छा। जो भी आरोप किसी के ऊपर लगेगा FIR होगी और इसके बाद में उस पर कोई ट्रायल नहीं होगा, वो अपराधी है कि नहीं है, झूठे आरोप लगाएगा। कैमरे में दिखे हैं, कैमरे में गोलियां चलाते हुए दिखे हैं, अगर वो आपको अपराधी नहीं दिखते हैं तो अपराधी कभी नहीं दिखेंगे उत्तर प्रदेश में। FIR दर्ज करो और गोली मार दो, काम खत्म। ठीक है ठीक है, दो मुकदमा दर्ज करा दो एप्लीकेशन दे करके और इसके बाद में गोली मार दो, यही न्याय व्यवस्था इस देश में रहेगी। कानून का राज समाप्त, संविधान समाप्त, पुनः मनुष्यत्व का राज। भाई आखिरी कमेंट, और मैं फिर कह रहा हूँ जल्दी बोलिए, तमाम एक मिनट आपके पास प्रस्तुत करते हैं और इसके बाद जय श्री राम का नारा लगवाएंगे। अगर यूपी फोन में ऐसा जघन्य अपराध किया जा रहा है तो दिलीप जी को ठीक है, हो गया। आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यह चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और चर्चा थी कि एक लिस्ट वायरल हो रही है, कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में माफियाओं पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, 500 से 700 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी और ये कहा जा रहा है कि ये माफिया जो ये लिस्ट बनाई जा रही है ये 64 से 65 माफिया है, 60 से ज़्यादा माफिया है और उनके खिलाफ अब योगी सरकार कार्रवाई करने जा रही है। खैर यहाँ पर आधिकारिक रूप से कोई स्पष्ट बात भी नहीं है और कोई सूची जारी नहीं की गई है, पर जो सूची चल रही है वो स्पष्ट करती है कि शायद अब इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस सूची में तमाम बड़े नाम भी हैं, इस सूची में सभी वर्ग के जो बड़े बड़े माफिया हैं उन पर एक तरफा यहाँ पर नहीं कार्रवाई बल्कि समुचित रूप से यहाँ पर कार्रवाई करने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है। खैर आने वाले समय में कार्रवाई कितनी होगी, इन माफियाओं पर कितनी करोड़ की संपत्ति जब्त होगी और क्या कितने एनकाउंटर होंगे वो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है, क्योंकि कार्रवाई की जड़ में केवल संपत्ति जब्त करना नहीं आता है, केवल बुलडोजर नहीं आता है, केवल जेल नहीं आता है, या एनकाउंटर भी कार्रवाई की जड़ में आता है और जो कि लगातार यहाँ हुए हैं वो स्पष्ट करते हैं कि अगर अपराधी भागेगा अपराध करेगा तो यहाँ पर उसको सजा मिली, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने कहा भी कि अगर अपराध करेंगे भागेंगे और तो निश्चित रूप से उनकी जगह या फिर जेल में होगी या फिर ऊपर होगी। अब आने वाले समय में कितने एनकाउंटर होंगे, कितनी कार्रवाई होगी वो भविष्य के गर्भ में नहीं था, पर एक बात स्पष्ट है अगर माफिया को खत्म करेंगे और माफिया राज को आप मिट्टी में मिला देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे समाज को यहाँ पर राहत मिलेगी। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा देने की व्यवस्था है उसको भी खत्म करिए। जब जब राजनीति में अपराध को बढ़ावा देंगे तब तक अतीक अहमद अशरफ मुख्तार अंसारी और तमाम बड़े नाम जैसे अपराधी पैदा होते रहेंगे और समाज को दूषित करते रहेंगे। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।